मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा यानी दामिनी जुयाल का प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे एपिसोड में आपका स्वागत है। हर बार कोशिश रहती है कि आपको नए नए लोगों से मिलवाऊं मैं, जिससे आप सीख सके, आप जान सके कि दुनिया में क्या हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं भविष्य में, क्या नहीं कर सकते, कौन सा करियर चुने, कौन सा नहीं चुने। ऐसी कई इंपॉर्टेंट बातें हम हर एपिसोड में करते हैं। तो आज मैं एक अलग ही इंसान को लेके आई हूँ जिन्हें आपने आज तक देखा नहीं होगा मेरे चैनल पे। खासकर मैं हमेशा स्पोर्ट्स वालों को लाती हूँ, बट मैंने सोचा क्यों ना इस फील्ड को भी कवर करूं। एंड आई वाज लकी इनफ कि अजय जी ने मुझे कहा कि वो आने को तैयार है। तो मेरे साथ है यहाँ पर एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर, एक्सपर्ट अजय जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे प्रोग्राम में अजय जी। थैंक यू दामिनी जी, थैंक यू वेरी मच। आपकी थोड़ी सी तारीफ करती हूँ, उसके बाद प्रोग्राम की शुरुआत करती हूँ, ठीक है नहीं, अजय जी? बहुत आई एम ऑनर्ड। जी अजय जी बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उसमें पामोलॉजिस्ट है, कई सारी चीजें हेल्प करते हैं। एक्चुअली मुझे भी, आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना, मैं भी बहुत परेशान थी अपनी लाइफ में। मुझे जो ट्रैक पे ला पाए हैं वो अजय जी थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अगर मेरी मदद हो सकती है तो आपकी भी हो। तो आज पूरा जो डिस्कशन है अजय जी के साथ, वो हम लोग मेजरली एस्ट्रोलॉजी पे बात करेंगे कि ये फील्ड क्यों उन्होंने चुनी, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज साइंस इन इट्स ओन सेल्फ। और आज वर्ल्ड कप भी शुरू हो रहा है, तो थोड़ा सा क्रिकेट क्रिकेट के बारे में बात करेंगे भाई, कैसे छोड़ दें हम अपने प्यारे विराट कोहली को। तो आज कोशिश ये रहेगी। चलिए अजय जी, सबसे पहला सवाल देखिए, आपसे कई लोगों ने पूछा होगा, ऐसे ही मैं भी पूछना चाहती हूँ कि आपने एस्ट्रोलॉजी फील्ड कैसे चुनी और कब चुनी? देखिए, जब आप लाइफ में बहुत ज्यादा वो कहते हैं संघर्ष कर रहे होते हैं, कभी यहाँ पे इन्वेस्ट किया, कभी वहां पे, और लॉसेस में होते हैं। मैं एक्चुअली कोटा में पढ़ता था, तो वहां के एस्ट्रोलॉजर ने मेरे को बोला कि आप ना पढ़ तो रहे, अच्छी बात है, कि मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े थे कि मेरे को बहुत बड़ा करना है। तो उन्होंने बोला पर तुम अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनोगे। तो अच्छा मुझे लगा ये इसको कुछ आता नहीं है, मैं वहां से उसकी फीस पे करके आ गया। ऐसा ही मेरे को तीन एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला, ओके और जो लास्ट एस्ट्रोलॉजर मेरे को बोला वो बाद में चल के मेरे गुरु भी बने, श्री गिरधर गोपाल जी। फिर मेरे गुरु बने, उन्होंने मेरे को बोला कि आप ये करो, इसमें आप बहुत सक्सेसफुल होगे। और हाँ, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मैंने बहुत गेन किया, पॉपुलैरिटी भी गेन की। ऑनलाइन में भी आया नहीं हूँ, लेकिन हाँ ऐसे ही सराउंड अपने लोकल में ही बहुत अच्छे से हाथ चला मेरा, अच्छे कोई प्रॉब्लम आई नहीं। जी लेकिन आपने भी कंसल्ट किया ऐसा, तो आपको पता ही है। राइट हाँ, तो ऐसे ही क्या, बस मन चलता चला कहता है, मन का काम करना चाहिए हमेशा, अपने मन का ही हर सबको काम करना चाहिए। मैं को मुझसे कोई पूछने पेरेंट्स आते हैं कि हम बच्चों क्या करें या मैं करूं नहीं करूं, देखो जो काम की नॉलेज है और जहां मन लगे तो वो ही करना चाहिए। फिर वही काम करना चाहिए। तो मैंने कहा मेरा मन लग गया, मैंने कर लिया। तो ये तो आपने सही कहते कहा ना, हाँ जी बस वही क्या, और अब अच्छा लगता है मेरे को करके, हेल्प करके लोगों को, जी। फिलहाल यही है बस और मैं कुछ सबको नहीं। बता दूं, हाँ मैंने भी बीटेक करी, मैंने एमबीए करी, मेरे घर वालों ने करा दिया, बट एट द एंड में देखो आपके सामने बैठी हूँ और गप्पे मार रही हूँ, सो दैट्स माय प्रोफेशन नाउ। सो ये भी मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया था, और इन्होंने मुझे कंफर्म किया था कि मैं यही करूंगी, नो मैटर व्हाट, मैं कुछ भी कर लूँ मैं यहीं पर रहूंगी और आप लोग के सामने हूँ। देखिए अजय जी, अगला सवाल मेरा ये है कि अगर किसी को जी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है या परेशान, आपने सही हाँ बोला कि हमें, देखिए परेशानी में हम भगवान याद करते हैं, है ना, बिल्कुल, कहते हैं हम खुशी में याद करते हैं, बट असलियत में जब परेशान होता है आदमी, हर इंसान मंदिर जाता है और हाथ जोड़ रहा होता है, भगवान आज बचा लो बस कैसे भी, तो दे दीजिए। है ना, आज कर दो, राइट, डॉक्टर्स के और एस्ट्रोलॉजर्स के पास तभी हर व्यक्ति जाएगा, तभी कोई जाएगा जब वो बीमार है एग्जैक्टली या किसी पंगे में फंस गया, और तभी डॉक्टर्स का मुंह देखना चाहता है और एस्ट्रोलॉजर्स के पास ही तभी जाना चाहता है। इसके जी अलावा वो नहीं जाएगा बिल्कुल भी। दुख में कोई नहीं जाता हमारे पास, सब दुख में एग्जैक्टली आते हैं, दुख राइट में राइट कोई नहीं आता है। आप दुख के हाँ जी, साथी हैं। तो अगर मैं दुख के साथी की बात करूं, थोड़ा सा एंगल, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है और वर्ल्ड कप आज से शुरू है, और सबसे 2 तारीख से शुरू हो चुका है, वार्म अप मैचेस हो चुके हैं, पर भारत का आज पहला मैच है, तो मुझे लगता है कि अब इंडिया में हम लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे आज मैच देखने के लिए। अगर एक बेसिक कन्वर्सेशन, मुझे किसी क्रिकेटर के बारे में नहीं जानना, पर अगर मैं बेसिक आपसे जानना चाहूँ कि अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है भविष्य में, क्योंकि बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हाँ, उसमें बहुत बहुत स्टार्स का, पाम का, आपकी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई है कि हम बता सके कि हाँ ये सच बिल्कुल। में क्रिकेट में ही रहेगा? हाँ, हम क्रिकेट तो नहीं बोलेंगे, हम ये बोल सकते हैं इस स्पोर्ट्स फील्ड में, जो पूरा स्पोर्ट्स में कई सारे स्पोर्ट्स आ जाएंगे, क्रिकेट, बैडमिंटन, बहुत सारे हैं। देखिए कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं, चेस, जहाँ पे फिजिकल इतना नहीं लगाना पड़ता है, सब दिमाग कुछ होता माइंड का खेल होता है, तो है, उसको हम थोड़ा भी अलग रखेंगे। हम राइट खाली क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, इसमें फिजिकल एफर्ट बहुत ज्यादा है। हाँ, किसी भी चार्ट को या पाम को देख के आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है या नहीं बन सकता है। जब भी हम ये देखेंगे कि कोई बच्चा है, उसको किसी भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, मान लो क्रिकेटर ही बनना है, अब हमें क्रिकेट के लिए क्या चाहिए,
स्टेमिना प्लस डिसिप्लिन तो मेन है। एग्जैक्टली राइट अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो कभी अच्छा को फिर कुछ भी अच्छा नहीं करेगा लाइफ में। हाँ डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ, स्टेमिना और फ्लेक्सिबिलिटी। अब डिसिप्लिन आता है सैटर्न से, शनि देगा, अच्छा जहां पे शनि वीक हो जाएगा वहां डिसिप्लिन चला जाता है। और ऐसे इतनी देर, हाँ हाँ बिल्कुल, और इतनी देर खेलना है, 50 ओवर्स खेलने हैं, और टेस्ट में तो 90 ओवर्स का होता है पूरा डे। तो आप पूरे दिन खड़ा होना उस फील्ड में, गर्मी में, ठंड में, वो और उस हीट को या ठंड को सहने की हिम्मत, वो देखा जाता है कुंडली के थर्ड हाउस से, जिसको हम बोलते हैं पराक्रम का घर। जी अब थर्ड हाउस का लॉर्ड सभी कुंडली में अलग होता है, लेकिन तीन देवता है, तीन प्लैनेट्स है जो मेन है, मंगल, राहु, शनि। और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कि एकदम से जंप मार दे, जैसे ये बड़े अच्छे वो थे साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर, मैं नाम भूल रहा हूँ, इंडिया के कोच भी रहे वर्ल्ड कप में, फील्डर थे बहुत अच्छे। तो फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे अभी जडेजा है, रैना अपने टाइम पे थे तो बहुत फ्लेक्सिबल है, तो ये देता है बुध, मरकरी। जी तो इनका जो ग्रुपिंग होगा, इनकी प्लेसमेंट जो भी किसके चार्ट में होगी, वो ये कंफर्म कर देगी कि बच्चा कितना अच्छा स्पोर्ट्समैन बनेगा, भले वो क्रिकेटर बने, जेवलिन फेंके नीरज चोपड़ा की तरह। जी अभी मैं एक दिन ऐसे ही, मैं उसका चार्ट पहले देखा आपके सहवाग का, तो राहु, अब उनके में क्या है, मेलेफिक इफेक्ट है राहु का, थर्ड लॉर्ड राहु है, राहु बहुत अच्छा माना गया, जब भी पराक्रम में राहु जाएगा। जी लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है, आपने देखा होगा सहवाग जी भी खड़े खड़े मारते थे हाँ कोई हाँ लेग्स, क्योंकि राहु क्या है, राहु क्या करेगा, ऐसा समझिए किसी को इन्वेस्टमेंट करना है पैसे का, अब वो 2 रुपए लगा के चलेगा, मेरे को 10 रुपए मिल जाए, 2 का हाँ इन्वेस्ट करूंगा मैं, 20 बना दूं 2 के। हाँ उनका भी था 2 गोल खेलूंगा, 10 रन बनाऊंगा, राइट 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 उनका उनका ये फोकस रहता कि मेरे को टाइम लगे। कंज्यू। हाँ अब हम अगर हम देखें, अगर हम द ग्रेट सचिन तेंदुलकर की बात करें, तो आप देखेंगे उनकी चार्ट में मंगल अपनी उच्च राशि का है, तो हिम्मत बहुत थी, प्लस पेशेंस, बहुत ज्यादा था, आज भी उनका उनका पेशेंस उनका बहुत। मून भी बहुत अच्छा था, क्योंकि मून बहुत अच्छा हो गया था तो पेशेंस लेवल बहुत अच्छा, बहुत आराम से। और उधर ही राहुल द्रविड़ है, अब बहुत अच्छे हैं, लेकिन सब में कुछ ना कुछ वेरिएशन सभी में आएगा। जी। अब जब भी हम किसी भी बच्चे को कोई भी स्पोर्ट्स खेलना ना, हम सबसे पहले देखेंगे उसका मंगल कैसा है, एनर्जी कैसी है बॉडी में। देखो तो बिना एनर्जी के तो ना आप काम कर पाओगे ना मैं काम कर राइट पाऊंगा, राइट और राइट स्पोर्ट्स तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता बिना एनर्जी के। तो नाइस बिल्कुल एनर्जी के लिए मंगल देखना होता है, जब भी मंगल का प्लेसमेंट थर्ड या कुंडली के जो सेंट्रल पार्ट से उनमें हो जाए, या अपनी राशि में बैठा हो, मेष में ठीक बैठा हो, वृश्चिक में बैठा हो, या मकर में अपनी उच्च राशि में बैठ जाएगा, तो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है। अब खाली मंगल को प्लेस करके हम नहीं बोलेंगे, प्लस राइट मरकरी बहुत अच्छा हो गया है, तो एनर्जी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों आ जाएंगे। हाँ, और प्लस शार्प डिसीजन। अब धोनी को देखिए, बुध माइंड पे बैठा है, अपनी राशि का बुध होके सेंटर में सूर्य के साथ बैठा है, तो जी अब सन के साथ मरकरी का जैसे कंजक्शन हुआ तो क्या हुआ, नेम, फेम, और बहुत स्मार्ट डिसीजंस। जी और मंगल बैठा है बहुत अच्छा, तो राइट कितना कितनी पॉपुलरिटी गेन की। फेम राइट को हम इसमें नहीं कवर करेंगे, फेम के लिए थोड़ा अलग है, उसके लिए हमें देखना होता है कि जो लगन है, ये मेरा जो अपना फर्स्ट सवाल लॉर्ड है, ऑफ मैं कुंडली, आपको वो काट कैसा रही हूँ, है। बीच में माफ करिएगा, हाँ कोई इशू नहीं है, कोई क्योंकि इशू नहीं। विराट मेरे फेवरेट है और विराट बहुत लोगों हाँ के जी, फेवरेट है, और आज हाँ मैच हाँ भी विराट खेलने वाले हैं। ठीक है, मैं मैच भी हो रहा है। विराट हाँ जी की जी, अगर बेसिक बात करूं, मैं ये नहीं जानना चाहती, हमारे पास टाइम नहीं है, उनका डेट हाँ ऑफ बर्थ प्रॉपर जी, नहीं है, हर एक चीज हाँ बहुत प्रॉपर प्रॉपर नहीं, नहीं, हाँ तो मैं आपको उसमें नहीं जाने को बोलूंगी। अगर मैं विराट की एक जी, बेसिक बात पूछूं कि ऐसा कौन सा हाँ स्टार जी, है उनका जो मदद कर रहा है इतने भयंकर फेम में, ये बताइए आपके कौन सा ऐसा ग्रह है जो उनको इतनी मदद कर रहा है कि वो इंडिया के अकेले ऐसे मैं प्लेयर है जिनके लाइक 200 समथिंग मिलियन तो सब्सक्राइबर फॉलोअर्स मिलियन है, फॉलोवर्स होंगे। हाँ ऐसा कौन सा स्टार अभी आपके काफी मेरठ के जो यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमी चलती है, काफी बच्चे मेरे पास आते हैं, जी जी तो मैं बताता हूँ आपको ना, वो सभी विराट कोहली जैसा बनना चाहते हैं या किसी और अदर स्पोर्ट्स का। तो पर विराट तो विराट है, आप देखिए देखिए जब सब भी, तो बनने हाँ पाएंगे। जी विराट तो विराट है, उनका राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है, राहु बहुत स्ट्रांग है, ठीक है तो इसीलिए गुस्सा करते हैं, एनर्जी आज लेवल एक्सट्रीमली, राहु थर्ड लॉर्ड होकर बैठा है, थर्ड लॉर्ड राहु बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, मंगल ही बहुत स्ट्रांग है, तो एनर्जी लेवल, रनिंग कितनी तेज करते हैं, हाँ तो राहु के कारण क्या है, एनर्जी डाउन होती नहीं, जी लेकिन एग्रेसिव बना देता है जी आपने और थोड़ा ये वाला पॉइंट टन को अच्छा गंदे बताया, कर दे। ये आपने बिल्कुल सही बताया, मैं हाँ इसी पे एक सवाल पूछूंगी हाँ एक्चुअली, क्योंकि आपका इतना वास्ते मेरे इतने सारे सवाल आ रहे हैं, मेरा सर रुक ही नहीं रहा इस समय, मुझे ऐसा लग रहा है ये भी पूछ कोई लूं वो भी इशू पूछ लूं,
बट आप पूछिए अभी आराम से। हाँ क्योंकि आपने राहु की बात करी, अगर किसी का राहु हाँ इतना स्ट्रांग नहीं है, क्या आपकी हाँ ऐसी एस्ट्रोलॉजी में क्या ऐसा कोई सोल्यूशन है कि अगर आपका राहु कमजोर है उसे ठीक करने के लिए क्या रेमेडी हो सकते हैं? एक जनरलाइज्ड रेमेडी, हर आदमी की अलग होती होगी ऑब्वियसली पर्सनलाइज, बट देखिए, अगर जनरल हाँ में हाँ करना है तो क्या कर सकते हैं? रेमेडीज काफी सारी हैं। अगर किसी का राहु, अगर मैं जनरल रेमेडी बता देता हूँ, अगर किसी का राहु मैंने से क्या अच्छा नहीं है, तो वो कसार बनता है आटे को ब्राउन करके ना, फ्राई करके थोड़ा सा बर्न करके हल्का, उसमें बोरा मिला लीजिए और अपनी पाम के बीच में रखिए ऐसे, आटे को हाँ भुना हुआ आटा और वो बोरा व्हाइट शुगर, अच्छा और फिंगर का यूज ना करके सिर्फ पाम से इस तरह करिए और चींटी को डालना शुरू कर दीजिए डेली। हाँ इसी पोजीशन में करना अच्छा है, आर्ट एंड वो शुगर, धीरे कंट्रोल हो जाएगा। हाँ उसका जो साइड इफेक्ट है, जो उसका मेल्फिक इफेक्ट है, वो धीरे धीरे से स्लो डाउन हो जाएगा। आप खुद फील करोगे कि हाँ चेंजेस आने स्टार्ट हो गए, जी पर ये एक दिन में नहीं होता है, कंटिन्यू करना होता है तब जाके फील दिखाता है। अच्छा आपने और भी बता मेजर दिया, रेमेडीज है लेकिन वो ऐसे नहीं बता सकता वो उसके लिए ऑब्वियसली तो। हर आदमी की कस्टमाइज होती है, हर किसी की हाँ कुडनी होती है। मैं कस्टमाइज भी होती आपसे मिलकर और कई लोगों है। से, क्योंकि फील्ड हमारी ऐसी है, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि हर आदमी के टाइम से, हर आदमी के पूरे चार्ट से, हाथ से, हर चीज बहुत कस्टमाइज तरीके से उनको रेमेडीज दी जाती कस्टमाइज, है। हाँ जी तो बिल्कुल। फिलहाल अभी अगर आज मैं आज के मैच की बात करी जाए, आपके, जी हाँ प्लीज जी भी मेरे बारे में बात करिए, आपके बताइए अंडर बताइए। 19, हाँ, अभी आपके यूपी के ही थे, यूपी योद्धाज एक टीम है कबड्डी जी के, तो जी आप जो भी प्लेयर्स होंगे क्रिकेट खेले कबड्डी, एक कॉमन चीज होगी, उन सभी का मंगल आपको स्ट्रॉन्ग ही मिलेगा। ओ अच्छा हाँ जी मंगल सबका स्ट्रॉन्ग, मंगल नहीं होगा एनर्जी नहीं होगी। राइट जितने भी आर्मी पर्सनल होंगे, आपका जो सिपाही है, सूबेदार जी है, जो जिनको हम बोलते हैं बूट के सिपाही, जो बूट पहन के चलते हैं, राइट और जो पुलिस में है, ऑफिसर्स की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ऑफिसर्स में चीजें बदल जाएंगी। जी मैं सिर्फ जो सोल्जर्स हैं, जो 12 12 घंटे खड़े रहते हैं असला लेके, उनका भी मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा। फार्मर्स, स्पोर्ट्समैन और आर्मी मैन, या जो इस तरह की काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा ऐसा बोल सकते हैं, या थोड़ा अच्छा एग्रेसिव नेचर में, उनका सभी का मंगल आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा। जी जी आप होस्ट हैं, आपका शुक्र बहुत अच्छा मिलेगा, आपका वीनस बहुत अच्छा होगा, आपका सन बहुत अच्छा होगा, नेम ऑन। तो काफी सारे हैं इफेक्ट, जैसे एक मैंने, जैसे एक बहुत अच्छा इफेक्ट ये बनता है किसी भी, इसको भी अगर स्पोर्ट्स में जाना है, उसका मरकरी मंगल और सैटर्न का कंजक्शन अच्छा हो जाए, तो कोई भी उसको स्पोर्ट्स स्टार बनने से रोक नहीं सकता, तो वो जिस भी फील्ड नितिन में जाएगा। जी क्या हाँ एक जी काम कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे में, मतलब किस्मत मुझे कहीं ऐसा लेके आ गई है कि मैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हूँ, और एवरी नाउ एंड देन मुझे बहुत हाँ सारे स्पोर्ट्स पर्सन मिलते रहते हैं, चाहे वो अभी बनने वाली पोजीशन में हो, चाहे बने हुए हो, ऑलरेडी स्टार हो। तो इस हाँ वाली जी बिल्कुल कैटेगरी में अगर किसी को आपसे मदद चाहिए हो तो क्या वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज मुझे लगता है कि आप बिल्कुल, गाइड कोई कर इशू सकते हैं। नहीं। हाँ बिल्कुल कोई इशू नहीं। तो आपका फोन नंबर, आपकी लोकेशन मैं इसी वीडियो के साथ डाल देती हूँ। मेरे पास हाँ डिस्कशन श्योर बहुत श्योर, ज्यादा है, हाँ बट आज टाइम थोड़ा कम है, तो इससे मैंने कोई बेसिक इशू नहीं, इंफॉर्मेशन ली, कि छोटा 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 इंफॉर्मेशन लेके छोटा। फिलहाल इस एपिसोड में मैं अजय जी के साथ यहाँ पर बैठी हूँ। अजय हाँ जी ने जी मेरी भी बहुत मदद करी और आपकी भी बहुत मदद करेंगे, तो इस वीडियो के साथ मैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर डाल रही हूँ, आप कॉल कर सकते हैं और अजय जी को मेरा नाम लेके कॉल करेंगे तो शायद आपको कंसेशन दे दे ये भी आप कर सकते हैं। देखिए देखिए फ्री की चीज तो कभी मत लीजिएगा, मैं जब फ्री में दिखाती थी मुझे कभी कोई काम नहीं हुआ, तो इसलिए द थिंग इज दिस, लाइक यू कैन टॉक अबाउट इट विद अजय जी, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। एनी एंड मोर देन टाइम दैट, जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी बच्चे हैं जो अपने करियर के लिए भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्पोर्ट्स का सेक्शन नहीं है, आज अजय जी को लाने का ये पर्पस है कि जितने भी बच्चे हैं अभी भटके हुए, समझ में नहीं आ रहा उन्हें करियर का कि कहाँ जाए, पेरेंट्स कंफ्यूज हैं, तो वहाँ एक बार जहाँ जैसे आप एजुकेशनल काउंसलर से एक बार सलाह लेते हैं, वैसे आप इनसे भी ले सकते हैं, आपको नहीं पता कौन सी चीज काम आ जाए। सो आप लोग को भी इन्वाइटेड है इस वीडियो के थ्रू कि आप लोग अजय जी को कॉन्टेक्ट करें। और अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, देखिए मेरे थैंक स्टार्स यू। आपने बता दिया, रेमेडी के लिए मैं हाँ आपसे मिलने आ रही हूँ, मुझे फेम तक जी हाँ पहुंचाने का जरूर, काम आपका। थैंक आप जरूर जाएंगे। यू, थैंक यू। हाँ जरूर जाएंगे, कोई मैं आपको दोबारा डिस्टर्ब इशू करूंगी, नहीं। क्योंकि आज ये बेसिक हमारी नहीं फर्स्ट वीडियो है और इसके बाद नहीं मल्टीपल डिफरेंट हम कोई लेके नहीं, आएंगे, जहां मैं चाहती हूँ हर ग्रह के बारे में बात हो। देखिए आपने बता दिया छोटा छोटा, अब मुझे पूरा फिर तो जानना है पूरा एक आपसे। आपको आपको फिर तक पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना होगा उसके लिए, क्योंकि मैं बहुत तैयार हूँ वास्ट है एस्ट्रोलॉजी, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जी। और एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है, बहुत ही वास्ट, एस्ट्रोलॉजी तो अपने आप में साइंस है पूरी, पूरी साइंस है।
देखिए दुनिया कुछ भी सनातन कहे, धर्म की सच्चाई है, बहुत साइंस प्योर है। साइंस है। सनातन धर्म की, हमारे धर्म की, हिंदू धर्म की बहुत प्योर साइंस है और बहुत इफेक्टिव साइंस राइट, साइंस है। आपने देख भी लिया आप तो? हाँ हाँ मैंने देख लिया, जी मेरी देखिए मेरे रेमेडी काम आई तो इसलिए मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि बहुत आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसी प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करूंगी। थैंक यू वजय जी बहुत प्रोग्राम में आने के लिए, मौका देने के अच्छे, लिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक और जितने भी यू वेरी मच। सब्सक्राइबर हैं, अगर आपको बाई चांस कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बात करना चाहते हैं, आप मुझे मेल लिख सकते हैं या अजय जी को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी हो, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आप। थैंक यू फॉर बींग अ पार्ट ऑफ आर प्रोग्राम, ओके, और थैंक हम अगले यू, प्रोग्राम में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू अजय जी। ओके ओके।